मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और मैं उनको पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन जब बना के देती हूँ, और जाते जाते वो मुझे कहते हैं, मैडम ये तो सब ठीक है लेकिन कोई अच्छा फेस वॉश तो बता दें जो हमारी स्किन टाइप को सूट करे। तो मैं आपको कुछ फेस वॉश की रिकमेंडेशन आज देना चाहूँगी। ये फेस वॉश के लिए कुछ खास किस्म की स्किन टाइप के लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और या कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी ये फेस वॉश इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन एंड पर मैं कुछ आपको टिप्स भी बता दूंगी कि आप कैसे अपनी ड्राइनेस को कवर कर सकते हैं। पहले जिस फेस वॉश का मैं जिक्र करूंगी वो ऑयली स्किन के लिए ज़बरदस्त है, या एक्नी प्रोन स्किन के लिए ज़बरदस्त है। उसका नाम है जेड फ्री। और जेड फ्री फेस वॉश की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर एक्नी प्रोन स्किन वाला बंदा या ऑयली स्किन वाला बंदा इसको बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकता है, और ट्वाइस अ डे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा फेस वॉश है जो कि ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा है, और मार्क्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो यू ग्लो के नाम से फेस वॉश है। इस फेस वॉश में लाइटनिंग या ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और इसको भी हम ट्वाइस अ डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि फेस वॉश लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। फेस वॉश के लिए कुछ खास रूल्स हैं जिनको सबको फॉलो करना चाहिए। वो रूल्स ये हैं कि आप फेस वॉश कभी भी ड्राई स्किन पर मत लगाएं। फेस वॉश लगाते हुए सबसे पहले अपनी स्किन को डैम्प कर लें, उसके बाद बहुत लाइट सा क्वांटिटी लेकर जेंटली मसाज करें, और उसके बाद 30 to 60 seconds के लिए उसको फेस पे लगा रहने दें, और उसके बाद वॉश करें। वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र आप लगा लेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। थैंक यू सो मच।